लिट्टी चोखा अचार एक्सप्लोर बिहार सीजन 1 एपिसोड। तो जोर से बोलिए मधुशा भवानी की जय। सोलर वाला है? हाँ सोलर वाला बंद देखिए अभी रखने में चल रहा है। ओहो क्या बात है क्या बात है। अरे तीन जगह लिट्टी लगाइए तो मेरा कोई एग्जाम होता तो शायद मैं छोड़ देता, इतनी सुबह नहीं उठता, मगर अब ठान लिया है और सीजन शुरू कर दिया है बिहार एक्सप्लोर करने का, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। साहिब भैया ने दाब की गाड़ी चलाई और हम दाब के सोए हैं, जो रात में कसर रह गई थी अब भी पूरी की है हमने। एक बार नहीं दो बार सो के उठ चुका हूँ और अभी तक हम लोग पहुँच नहीं है और बिहार के रास्ते जय हो नीतीश कुमार जी की। सूत्रों की माने तो पता चला है कि जो वाटरफॉल है उसका रौद्र रूप देखने मिलेगा। देखो इंस्टाग्राम के लिए फोटो क्लिक कीजिए। जो वाटरफॉल हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो अभी और रौद्र रूप उस जो वाटरफॉल हम लोग देखने जा रहे हैं उसका विकराल रूप देखने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी अब गिर रहा होगा। तो देखते हैं लगभग 161 किलोमीटर चलने के बाद अभी और बाकी है शायद 25 से 30 किलोमीटर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। यात्री जन कृपया ध्यान दें अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। और आज के जो टूर गाइड है वो यही भाई है अभिषेक। अभिषेक अभिषेक स्क्वायर हो गया गाइस। रोहतास में अभिषेक भाई के घर पे पूरे रीति रिवाज के साथ हमारा स्वागत किया गया। अब बताइए ये मोहब्बत नहीं तो और क्या, क्या है? और मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद थी कि स्वागत हमारा इसी तरीके से होगा सनातन। जिंदाबाद। और यहाँ आते ही आप लोगों ने छेना रसगुल्ला गुलाब जामुन सुना होगा, हमें मिली है परवल की मिठाई। रोहतास में अभिषेक भाई के घर हमने मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया और हम निकल गए मातुतला भवानी वाटरफॉल की तरफ। सबसे पहले हम बदलेंगे अपने कपड़े यहीं से, क्योंकि वहां पे वाटरफॉल है और वाटरफॉल में गए और थोड़ा बहुत तैरने सीखा है, नहाए नहीं तो फिर क्यों आया भाई। यहाँ की दुकानों को और आसपास की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि गवर्नमेंट का कितना ध्यान है इस पर्यटन स्थल के ऊपर। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें, आप लोग का साथ और आशीर्वाद रहेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर हमारे ऊपर तो है ही। तो ये है मातुतला भवानी इको पर्यटन स्थल, हमने जस्ट गाड़ी लगाई है यहाँ पे और यहाँ से कपड़े चेंज किए हैं और इसी हालत में वहाँ जाएंगे, इस हालत में, और वहीं जाके भीगेंगे नहाएंगे पूरे मजे करेंगे आशीर्वाद लेंगे और फिर ऐसे ही आगे गाड़ी में कपड़े चेंज करने वाले हैं। यहाँ आपको पार्किंग में लगाना मस्ट है, इसके आगे आप लेके जा भी नहीं सकते, कोई सुविधा नहीं है। और हमारे बड़े भाई के सब्सक्राइबर यहाँ ये बॉय इतना ही फेमस होना है गाइस। इस बार आप भी कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा ही दीजिए। तो जोर से बोलिए मातुतला भवानी की जय। जी अभिषेक जी ये बॉय हाँ तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बना रखिए। और शायद सरकार को पहले से ही पता था, देखिए हमारे साइज का ही एकदम गेट है जिसमें से मुश्किल से भैया पास हो पा रहे हैं। भैया आइए तो जरा आइए आइए इधर आइए, समझ गए हैं? अरे अटक गया। हम हैं आसमान के नीचे और हमें मिले हैं हमारे भाई बादल, हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्यार बनाए रखिएगा भाई ऐसे, ठीक है ना। बोलिए मातुतला भवानी की जय। आराम से आराम से। तो भाई अब तक हमने सिर्फ मूवी में ही देखा था मगर तारों के नीचे से वास्तव में आज लाइए कैमरा मैन आइए गोदी चढ़ जाइए। हम बैठेंगे आगे भैया चलेगा ना, हम बैठेंगे। आपको अंदाजे से क्या लगता है कितने लोग डेली विजिट करते हैं? डेली लगभग 2000 के आसपास। और आप कितने लोग को छोड़ते हैं?
अमीर लोग कम से कम मैंने छोड़ देते 1000 के आसपास, 10 रुपए सीट, 10 रुपए सीट गाइस कैलकुलेट कर लो, 1000 आदमी 10 रुपए सीट, मतलब समझ रहे हो 10,000। अरे बाप, आईएस से भी ज्यादा तनखा है भाई। तो मैंने कहा था कि जब तक आप पर्सनल यहाँ पे विजिट नहीं करते आपको पता नहीं चलेगा, ये चेहरे पे हवाएं जो लगती है वो सब आप कैमरे के थ्रू फील कर ही नहीं सकते। और यहाँ आने का खर्च है ब्रिज का सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए से। अब इतना में जान ले बका महाराज, पार्ले जी आ जाता है इतने में। और जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था, अब एकदम नजदीक से चलते हैं और उस एक्सपीरियंस को सच में एक्सपीरियंस करते हैं। हरवान कदरदान मेज़बान यही है वो हैंगिंग ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत ही अनोखा सा एक्सपीरियंस है और पूरी ऐसी झरना दिख रहा है। नीचे से चलकर भी वाटरफॉल तक पहुंचा जा सकता है, मगर बारिश के वक्त धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है जो कि श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। और हमारी भी आपको यही सलाह होगी कि बारिश के वक्त नीचे से रास्ते को पार करने का प्रयत्न ना करें। अभी हम उसी ब्रिज पे हैं जिसकी बात कर रहे थे और इस पे एंट्री का भी और यहाँ से जाने का भी फीस है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। आप आइए यहाँ से लेके वहाँ तक इसका पूरा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं आप 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। इन्हीं हवाओं की बात कर रहा था, ये हवाएं आप कैमरे में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। इस मौसम में लोग आपको कहेंगे कि बिहार आई आपके सिर पे कट्टा भिरा देंगे, उसी मौसम में हम छाती ठोक के कहेंगे कि आप बिहार के रोहतास आई हम आपको झरना दिखा देंगे। उसके बाद हमने बनाई कुछ ढांसू ढांसू रील, गाना समझ में नहीं आया इसीलिए अभी तक इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं किया है। आप कमेंट में गाना सजेस्ट कर दीजिए, अपलोड हो जाएगी और जिसका सजेशन हमें पसंद आएगा उसका नाम हम अगले ब्लॉग में जरूर लेंगे। मैंने सुन रखा था कि इस कुंड में नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, तो हम भी छपाक से नहीं आराम से कूदे क्योंकि झरने के नीचे नुकीले पत्थर हैं। और आप भी जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जयकारा लगाते वक्त इंद्रसेन भैया ने जो ही हाथ फैलाए थे पता ही नहीं चला कि हम उस फुटेज में हैं या नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, मजा आया। और सब बात की एक बात जो हम हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में सारी चीजें आती जाती रहेंगी, मगर एक चीज है जो सबके दिल में सबके दिलों के लिए जिंदा रहनी चाहिए, वो है मोहब्बत। बस मोहब्बत बनाए रखिए। तो अब हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए हम माता के दर्शन नहीं कर पाए, मगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 5 बजे के पहले आएंगे तो ही आपको दर्शन ठीक से मिलेगा, और 5 बजे के बाद आएंगे तो आपको भी परेशानी, भैया लोग को भी परेशानी, दीदी लोग को भी परेशानी, प्रशासन आपको यहाँ से हटाएगा क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी है। फिर आप कहेंगे कि यार हो नहीं पाया इतनी दूर से आए। भाई बिहार में लोग आते नहीं है, एक बार अरे चले अभी पकला। नहाने के बाद आपको यहाँ वहाँ कपड़े बदलने के लिए झाड़ियों में छुपने की जरूरत नहीं है, बकायदा यहाँ पे चेंजिंग रूम है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम निराश होकर घर लौट ही रहे थे तभी रोहतास के हाईकोर्ट से जज साहब आए, उनके लिए बंद दरवाजों को खोला गया तो लगे हाथ हमने भी दर्शन कर लिए। इतनी दूर से ट्रैवल करके जो आए थे, माँ अपने बच्चों को बिना आशीर्वाद दिए कैसे भेज देती। हमने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर ऊपर से आ रही आशीर्वाद रूपी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया और सच में मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव था। पंडित जी प्रसाद तो लिए नहीं हम, जुगाड़ सकते प्रसाद का। अब हम तो घर से खाली हाथ निकले थे तो जो प्रसाद पंडित जी ने हमें दिया उसमें से थोड़ा खुद खाया और थोड़ा बजरंग बली जी को भोग लगाया। बाय बाय, लव यू। तो कब तक देखेंगे ये सारी चीजें इंस्टाग्राम और रील्स पे, टेक सम मनी एंड टेक सम टाइम। एक 700 रुपए की तो टिकट आएगी, कटा लीजिए और आ जाइएगा। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल लिंक मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भैया का जिन्होंने वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट किया। तो बोलिए हारा हारा महादेव। और यहाँ पे मान्यता है कि जिसको अपने जीवन में अपना घर बिल्ड करना है तो वो इस तरीके की पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के 5 पत्थर या 7 पत्थर घर बनाते हैं लोग। तो आइए हम भी कोशिश करते हैं अपने सपनों का घर बनाने की। मैंने सोचा कि बना लूँ वहाँ पीछे जाके, मगर मेरे दोस्त लोग वहाँ जा रहे हैं और मैंने सुना है कि यहाँ पे तेंदुआ और भालू भी रहते हैं, तो भाई घर में तब न रहूँगा जब मैं रहूँगा। आज की कहानी से यही सीख मिलती है, सर सलामत पगड़ी 1000। रोहतास से सासाराम के बीच में हमने रास्ता पूछने के लिए जब गाड़ी रोकी तो जिनसे हमने रास्ता पूछा वो निकल गए हमारे सब्सक्राइबर। तो अभी हमको जाना था सासाराम धर्मशाला, ठीक है, और हम रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोके और भाई का हाल भाई को
आप तो जी अभिषेक जी हैं ना, और भाइयों ने जो इतने प्यार से कलेजे से लगाया है मेरे मुंह से निकला कि बताइए ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। मचा दिए गाइस एकदम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो दाब के खाने के बाद अब ऐसा हो गया कि ट्रैवल कर नहीं सकते, मन जरा भी नहीं कर रहा। तो तड़ा चंडी के पास एक प्यारा सा होटल मिला समृद्धि, यहीं पे आज रात में स्टे करेंगे। बहुत प्यारा ही एम्बियंस है, देख सकता है। और कल सुबह निकलेंगे कहाँ के लिए भाई? कल निकलेंगे चेनारी डैम। आप लोग हमारे चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ साफ देख सकते होंगे, हम लोग कितना एक्साइटेड हैं। रात को 10:30 बजे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस, कल सुबह उठ के जाएंगे। बाय गाइस, भूख नहीं लगी। बाय गाइस। जी हाँ, तो अभी हम पहुँच गए अपने स्वीट में। भाई लोग एकदम विश्राम की मुद्रा में, भाई भी एकदम पूरे तैयार, बड़े भाई भी एकदम तैयार, और हम भी तैयार। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऐसा सोएंगे कि सुबह कल उठेंगे कब ये भी पता नहीं है। तो मिलते हैं, ठीक है, कल सुबह एकदम रास्ते में, ठीक है। तो ये था लिट्टी चोखा आचार एक्सप्लोर बिहार सीजन 1 एपिसोड 4। इसके पहले के 3 एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आगे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा।